फिल्में आती जाती रहती हैं, बॉक्स ऑफिस के नंबर बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन बॉलीवुड में एक्टर्स अपने टैलेंट के बल पर ही चल पाते हैं। बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जिन्हें कुछ समय के लिए बॉलीवुड में स्टारडम तो मिलता है, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं अगर उनमें प्रतिभा नहीं होती, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतिभा होने के बावजूद भी उन्हें काम नहीं मिलता। ऐसे में कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो किसी खास वजह से वापस आ जाते हैं और अचानक से वो न्यूज में छा जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। आइए आपको बताते हैं कुछ एक्टर्स के बारे में जिन्होंने बहुत समय बाद इस साल सुर्खियों में वापस अपनी जगह बनाई है। तनुश्री दत्ता, बॉलीवुड में एक बोल्ड हीरोइन के तौर पर अपनी इमेज बनाने वाली एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने 2008 के बाद इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था, लेकिन अब तनुश्री एक बार फिर अपने इंटरव्यू की वजह से काफी सुर्खियों में आ गई हैं। उन्होंने एक्टर नाना पाटेकर पर फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर अपने साथ शोषण करने का आरोप लगाया है। नाना पाटेकर अपनी एक्टिंग के लिए काफी जाने और पहचाने जाते हैं। तनुश्री दत्ता के विवाद की बात करें तो इसकी वजह से नाना पाटेकर भी लाइमलाइट में वापस आ गए हैं। बॉलीवुड में अपने अच्छे काम के लिए जाने जाने वाले नाना पिछले काफी वक्त से लाइमलाइट से जरूर दूर थे, लेकिन वो समाज सेवा में ध्यान दे रहे थे। हालांकि अब तनुश्री द्वारा लगाए गंभीर आरोपों की वजह से लोगों ने उन्हें एक अलग लाइट में देखना शुरू कर दिया है। बॉबी देओल, बॉलीवुड में अपने पिता धर्मेंद्र और भाई सनी देओल की लीगेसी को बॉलीवुड में आगे बढ़ाने का काम किया है बॉबी देओल ने। धर्मेंद्र और सनी दोनों ही अपने समय के सुपरस्टार रहे हैं। बॉबी के करियर की शुरुआत भी अच्छी हुई थी, लेकिन 2000 के बीच आते आते बॉबी मुश्किल से ही दर्शकों के दिमाग में बस पाए थे, लेकिन सलमान खान की बदौलत बॉबी की बॉलीवुड में जबरदस्त वापसी हुई और ये फिल्म थी रेस 3। इसमें बॉबी को काफी पसंद किया गया और एक बार फिर बॉबी लाइमलाइट में आ गए। नेहा धूपिया का करियर हमेशा से ही बॉलीवुड में कुछ खास नहीं रहा है। लीड होने के साथ वो छोटे बड़े सपोर्टिंग किरदार में ही नजर आती रहीं। उनका करियर कुछ खास नहीं रहा, हालांकि इस साल उन्होंने लोगों को डबल सरप्राइज देकर होश उड़ा दिए। नेहा ने इस साल जून के महीने में शादी की और सितंबर के महीने में अपने प्रेग्नेंट होने की खबर दे दी और इन न्यूज की वजह से नेहा भी लाइमलाइट में आ गईं। सोनाली बेंद्रे, इन सभी में सोनाली बेंद्रे की वजह सबसे दुखद है। सोनाली बेंद्रे बॉलीवुड की डार्लिंग रही हैं। उन्होंने अपने करियर को होल्ड करके शादी कर ली और बच्चों पर ध्यान दे रही थी, लेकिन इस साल उन्होंने अपने कैंसर पीड़ित होने का खुलासा किया और अपनी जिंदगी के इस मुश्किल पड़ाव से गुजरने के लिए ताकत दिखाई। इस लड़ाई में बॉलीवुड के कई स्टार्स उनके साथ खड़े हैं। तो ये हैं बॉलीवुड के वो स्टार्स जो लंबे वक्त बाद आए सुर्खियों में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।